हाय गाइस, वेलकम टू दियो स्टडी अफेयर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे आरबीआई इन न्यूज इन जनवरी 2021 फॉर आरबीआई ग्रेड बी। सो इन जनरल आरबीआई ग्रेड बी आने वाला है, तो और ECGCPO है और अदर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी ये न्यूज आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। आरबीआई रिलीजेज रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2019-20। सो बेसिकली रिजर्व बैंक एक रिपोर्ट रिलीज किया है जिसका नाम है ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2019 और 20। और इसका एक थीम है, उसका थीम क्या नाम है जो रेड में लिखा हुआ है, इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग सेक्टर एंड द वे फॉरवर्ड। सो ये रिपोर्ट कब बन के तैयार हो गया था, तो ये जून 30, 2020 को रिपोर्ट को बंद कर दिया, बना दिया गया और सबमिट कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो कि आता है सेक्शन 36.2 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। द रिपोर्ट प्रेजेंटेड द परफॉर्मेंस ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। तो ये जो रिपोर्ट बेसिकली है परफॉर्मेंस, बैंकिंग परफॉर्मेंस और कोऑपरेटिव बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करता है। द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो ऑफ द बैंक डिक्लाइन फ्रॉम 9.1% ऑफ द टोटल एसेट एट द एंड मार्च 2019 टू 8.2% एट द एंड मार्च 2020 एंड फर्दर 7.5% एट द एंड सितंबर। सो इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जो NPA कहते हैं हम लोग, वो डिक्लाइन किया है, जो कि अच्छी बात है। जैसे कि मार्च 2019 में 9.1% ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट था ऑल ओवर पूरे बैंकिंग था, फिर लेकिन मार्च 2020 में 8.2 पे आ गया और सितंबर आते आते 2020 7.5% पे ये GNPA 7.5% है। हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट, इट्स रिपोर्ट के क्या हाईलाइट है। सो 2019-20 में और फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 में जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं वो कंसोलिडेटेड द गेन्स अचीव्ड आफ्टर टर्न अराउंड इन 2019। तो आपको पता है कि हम लोग का जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वो उसको मर्ज किया गया है, तो इसका कारण ये फायदे में रहा 2018-19 के कंपेयर किया जाए तो। ये कह रहा है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो है वो भी बढ़ा है, जैसे कि 2019 मार्च में 14.3% था और मार्च 2020 में 14.7% हो गया और अब जो कि सितंबर में है वो 15.8% तक रहा। आगे बढ़ते हैं गाइस, और इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड और सरफासी जो एक्ट है वो मदद किया एनपीए रिकवरी में। सरफासी एक्ट का फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट कॉर्पोरेट बैंक इम्प्रूव्ड बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड एसेट क्वालिटी। सो जो स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक होते हैं उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा, प्रॉफिटेबल रहे और एसेट क्वालिटी भी अच्छी रही उनकी। तो अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। देखिए, फॉर्मेशन हुआ था 1st of April 1935 on the recommendation of Hilton Commission। ये याद रखिएगा क्योंकि ये स्टैटिक जीके, Hilton Commission। गवर्नर अभी के कौन है, शक्तिकांता दास जो ये पिक्चर में है वो है गवर्नर, और हेडक्वार्टर का है मुंबई महाराष्ट्र। और डिप्टी गवर्नर्स, देखिए चार डिप्टी गवर्नर्स अभी हैं, ये इनके चारों के नाम हैं, बिहू प्रसाद, महेश कुमार, माइकल एंड एम राजेश्वर राव। तो ये चार गवर्नर हैं। सो यही था गाइस आज का वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे यूट्यूब चैनल देव स्टडी अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।